हर माह की तरह इस बार भी श्री बगलामुखी धाम समिति की तरफ से मां बगलामुखी जी का मासिक महाफलदायी हवन यज्ञ जालंधर बिहार कपूरथला रोड में निर्माणाधीन मां बगलामुखी जी के भव्य मंदिर में करवाया गया। इस दौरान सभी भक्तों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए मां के दरबार में हाजिरी लगवाई। हवन यज्ञ की शुरुआत में समिति के संस्थापक एवं संरक्षक धर्म मित्र सीसी महेंद्रू ने कहा कि मां बगलामुखी जगत जननी और जगत कल्याणी है। मां पीताम्बरी देवी तो भक्तों के श्रद्धा भाव देखकर ही प्रसन्न हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जो भक्त सच्चे मन से मां बगलामुखी जी की पूजा अर्चना करता है, मां उसकी सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तदुपरांत क्रमवार मां बगलामुखी जी का ध्यान कर यज्ञ में सर्व कल्याण के लिए आहुतियां डाली गई। इस अवसर पर गुरु मां जीनत, मानव महेंद्रू, भूमिका महेंद्रू, सतेंद्र गांधी, ऋतु गांधी, सोनिया भगत, ममता पाल, रजनीश चौधरी, पिंकी चौधरी, रविपाल जट, अजय मल्होत्रा, सुमन मल्होत्रा, गौरव चौधरी, मणि मदान, प्रदीप ठाकुर, कुलदीप मरवाहा, मनीष क्वात्रा, अजय शर्मा, अनीता शर्मा, राकेश गुंबर, लखबीर सिंह, लवप्रीत कौर, दीप सिंह, दविंदर पाल हीर, अनुराधा शर्मा, आशुतोष शर्मा, गौरव नंदा सहित असंख्य भक्त जन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। सभी शक्तियां शक्तिशाली प्रभावशाली होती हैं, परंतु बगलामुखी का मेरा निजी अनुभव है, जो भी खुशी खुशी नतमस्तक और जिसकी शरण आया है वो खाली हाथ नहीं लौटा। श्री बगलामुखी धाम समिति पिछले कुछ महीनों से जालंधर बिहार के कपूरथला रोड पर अपना मंदिर का निर्माण कर रही है। आशा करता हूँ कि माँ बगलामुखी का यह मंदिर बहुत भव्य होने का। मीडिया का हमेशा सहयोग रहा है, समिति के मेंबर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और मेरे देखते ही देखते सभी की मनोकामना पूरी हुई है और वो अपनी झोलियाँ भर के ले जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, प्रत्येक मास अंतिम रविवार माता बगले में हर प्रकार के हवन यहाँ किए जाते हैं। मेरे पत्रकार भाई दुआ है कि यहाँ से कोई खाली नहीं।